विष्णात्मान विधित विषयान राष्ट्रभोगान सदिष्ठान पश्चाचन्यान सुरमतिभावान ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरपि शनैः स्वात्मनिस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्मशो मनस्तुरी जैसे कोई आकार उत्पन्न हो जाता है और मशाल घूमना बंद हो जाता है तो आकार अपने आप ही शांत हो जाता है, इसी प्रकार की अलग शांत धातु का दूसरा अर्थ क्या होता था, आदाने यहाँ पे ग्रहण लेन देन तो यहाँ पे हर प्रकार की औलाद लात मतलब यहाँ पे लेगा देना होता है, इसी से लाओ इसी से बना लाओ ले जाओ ये सब इसी से बनते हैं। तो अब जो है औला माने जहाँ पे हर प्रकार की लेन देन व्यवहार बंद होता है वही शांति स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, शांति स्थिति है। यहाँ पे जो है कि पहले किस क्या करते हैं अपने आचार्य को, प्रथम आचार्य को प्रणाम करते हैं, फिर उपदेश को प्रणाम करते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि जो पहले कहतम सत्यम यत्र किंचित न जायते इसको पुष्ट करने के दृष्टान्त को औला शांति को यहाँ पे दिखाया, कहीं अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने के बाद अन्य पानी को सिद्धांत को जो सृष्टि कैसे होना संभव है इसको लेकर के हम तो बोलते हैं सृष्टि होना संभव ही नहीं है। तो सत असत कार्यवादी मतलब एक न्याय घोषणी कर एक प्रथम शांतवादन सृष्टि को प्रक्रिया को लेकर के आपस में तर्क भी तत्पर स्व सिद्धांत व्यवस्था सुगित निश्चितम तो अपने सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए द्वैतवादी तो लगा रहे थे द्वैत आयोग ने विरुद्ध थे परस्परम विरुद्ध थे तो ही रहे उनका विरुद्ध था, आपस में परस्पर विरोध करता उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं ऐसा पहले बोल रहे हैं, परंतु जो उनको जो उन लोगों ने जिस जगह पे अभिवाद नहीं पहुंचा तो इसमें जो अभिवाद भाव है उसको ठीक से समझो, जिसको लेकर अभिवाद है वो ये बोलते हैं कि सत्य जन्म नहीं हो सकता, वो तो असत से जन्म नहीं हो सकता, तो जन्म नहीं हो सकता कॉमन बात है, उसी हम उसको अनुमोदन करते जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार से इतना कथन करने के बाद जो है अब अलग अलग बात है, कोई कहते हैं सत कार्यवादी है विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई जो चीज़ आपने प्रकृति को मतलब प्रधान जिसको बोलते हैं मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति को आपने जन्म नहीं माना और फिर आप कहें तो वही मूल प्रकृति जो है आपका क्या होता है कि अहम तत्व महक तत्व आदि रूप में परिणत होता है, तो एक बार जो बोल करके फिर जो है वो जो परिणत हो जाता है ये कहना कैसे पड़ता, इससे तो नहीं तो नहीं हो सकता क्योंकि वो परिणामिक वस्तु अनित्य ही होता है, वेदांतिक सिद्धांत का आत्मा कूटस्थ नित्य वस्तु कर दिया। वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा जो है कूटस्थ नित्य वस्तु है वो अब युक्ति दे रहा है, मतलब जिसको सिद्धांत के रूप में कहा अब युक्ति के द्वारा उसको कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं युक्ति से कि देखो यदि हेतु से फल की उत्पत्ति होती है, हेतु क्या है धर्माधर्म, उससे फल हो गया उसका शरीर, हेतु से फल की उत्पत्ति है फिर शरीर से क्या होता है धर्माधर्म होता है, तो ये दोनों नष्ट दोष के द्वारा प्रसिद्ध है, ये कैसे हो सकता है, हेतु और फल में यदि कार्यकारण भाव कहोगे मतलब हेतु कारण और फल कार्य फिर फल कारण हेतु कार्य, ये जो अनन्नष्ट दोष के द्वारा ग्रसित होने के कारण जो आपका इसी सिद्धांत ये हो जाएगा जैसे पुत्र से पिता की जन्म होती है इस प्रकार से आपका कथन हो जाएगा 15 तक हम कर लिए थे, है ना, इसलिए हेतु और आदि फलम जेशाम, है ना, हेतु का कारण फल है और फल के कारण हेतु है, पास
हेतु ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेतु और फल में आपस में जो कार्य कारण भाव आप बोलते हैं, ये होना संभव नहीं है। क्योंकि संभव नहीं है तो क्या हो जाएगा, पुत्र से पिता की जन्म हुआ ऐसा कहना हो जाएगा। तो इस प्रकार कहने के बाद अब देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, 16 से। 16 के लिए उपदघा दे रहे प्रतीतिको हेतु फलयोः उत्पत्ते उपगंतव्यत्वात् न युक्तम तन निराकरणम इति आशंक। गुरुवार जी बोल रहे देखो तुम्हें अपने आप संसार में दिखाई पड़ता है कि मृतिका से घर उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह दिखाई दे रहा है, तंतु से पट उत्पन्न हो रहा है, पट से वस्त्र उत्पन्न हो रहा है। तो जो प्रतीति से प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह था उसको निराकरण करना कार्यकरण भाव नहीं है, ये कहना तो युक्ति संगत नहीं है, ये बनता नहीं है। बोलते हैं प्रतीति तो हो हेतु फलयो, हेतु उत्पत्ति माना हेतु का भी उत्पत्ति होता है, फल का भी उत्पत्ति होता है, दिखाई दिया। इस प्रकार देखिए गुठली से पेड़ हुआ और उसी पेड़ से फिर गुठली भी आती है, दिखाई देते हैं हमको। इसलिए बोलते हैं प्रतीति तो हेतु फलयोर उत्पत्ति उपगंतव्यत्वात् आदिशु, इसलिए उसको मानना चाहिए इस कारण से क्योंकि देव प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह प्राप्त हो रहे, इसलिए उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। न युक्तम तर निराकरण, इसलिए उसको निराकरण करना युक्ति संगत नहीं है, इसलिए आशंक्य आह उसको मन में रखते हुए बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर टिप्पणी में मतलब प्रतीतित हो मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणतः, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको क्या प्राप्त होता है, किसी न किसी कार्य से कोई कारण से कोई कार्य उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसलिए जब आप फिर उस कार्य से फिर कोई कारण उत्पन्न हो जाता है जिस कार्य जिससे वो उत्पन्न हुआ वो तो दिखाई पड़ते हैं। मतलब बीज और अंकुर, बीज से पेड़ उत्पन्न, पेड़ से फिर बीज आते जाते हैं, अंडा और मुर्गी इसमें भी ऐसे ही होते हैं। इस प्रकार से जो है ये आप जो प्रतीति चीज प्रति प्राप्त हो रहा है उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, आपको मानना चाहिए तन निराकरण न युक्तम तन निराकरण ऐसे शंका का तब आह। अच्छा भाई ठीक है, यदि तुम बोलते हो कि इस प्रकार है तब आपको क्या करना पड़ेगा, कौन पहले बताना पड़ेगा, क्रम चाहिए है, क्रम चाहिए ना, तो कैसे बोलो। तभी तो तुम्हारा सृष्टि वाला संभव नहीं, तुम्हारा कल्पना ही है, इसीलिए आप बोलते हैं श्लोक में आ जाइए वहाँ पर संभव। संभवे हेतु फलयो, संभवे हेतु फलयो रेषितव्यः क्रमस्त्वया, रेषितव्यः क्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्मात्, युगपत् संभवे यस्मात् असंबंध विशानवत्, असंबंध विशानवत् संभवे हेतु फलयो रेषितव्यः क्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्मा दशम्बन्धो विशानवत्। यदि आप कहना चाहते हो कि नहीं प्रकृति से ऐसा होता है कि कारण से कार्य को उत्पत्ति हुए देखा जाता है, फिर कार्य से फिर कारण आ जाते हैं, तो तब आपको पहले बताना पड़ेगा कौन कहेंगे। ये शीतव्य क्रमश संभवे हेतु फल, हेतु और फल भाव की उत्पत्ति मतलब दोनों उत्पत्ति से ऐसा मानने पर आप कौन पहले है, क्रम मतलब पर्याय का अन्वेषण करना ही पड़ेगा आपको, निश्चय करके बताना पड़ेगा कौन पहले है। यदि बोलते नहीं क्रम नहीं बताया, एक साथ उत्पन्न होता है, यदि एक साथ उत्पन्न होता है तब क्या हो जाएगा, दोनों में संबंध नहीं हो सकता। कार्यकरण संबंध करने के लिए आपको पूर्वापर भाव चाहिए, पूर्वापर भाव के बिना कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है। यदि आप कहते नहीं दोनों साथ साथ उत्पन्न होता है तब क्या हो जाएगा, जैसे गाय के दो सींग, उन दोनों में कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे कार्यकरण भाव संबंध बता ही नहीं पाओगे तुम, इसलिए बोलते हैं युगपत संभव जस्मत असंबंध विषाणव। दो नंबर टिप्पणी में देखिए असंबंध कार्य कारण भाव रूप संबंध तद अभाव असंबंध, ठीक है ना। कार्य कारण भाव रूप संभव संबंध आज कार्य कारण भाव की अभाव कार्य मतलब उसका असंबंध इति अर्थ इसका रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया संभवे हेतु फलयो ईशितव्य क्रमस्त्य युगपत संभव जस्मत असंबंध असंबंध मतलब कार्यकरण भाव रूप संबंध होना संभव नहीं होगा यदि एक साथ उत्पन्न होता है तो। कार्यकरण भाव को अगर आपको बना के रखना है तब आपको पहले पूर्वापर रूप में बताना पड़ेगा, पहले ये बाद में ये बताना पड़ेगा। अच्छा भाई टीका में देखिए तयोर उदय प्रातिथि के
नियत पूर्वभावी हेतु और नियत उत्तरभावी फल इति अभ्युपगमे हेतु आह। यदि बोलते हैं तयोर उदय, मतलब इन दोनों की जो प्रतीति होता है उदय प्रातितिक, मतलब प्रातितिक उदय, प्रातिति के उदय प्रतीति से जो दिखाई पड़ते हैं किसका, तयोर मतलब कार्यकरण यो अथवा हेतु फल यो, ठीक है ना। इसमें जो हो गया नियत पूर्वभावी हेतु हो, इसमें जो हमेशा पहले रहता है उसका हेतु बोलते हैं, जो पहले रहता है उसका हेतु बोलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, धर्माधर्म हो गया हेतु और शरीर हो गया फल। अब शरीर पहले है तब धर्माधर्म करेंगे, तो शरीर हो गया हेतु, धर्माधर्म हो गया फल, ठीक है ना। एक कार्यकर्म का यही संबंध है। आप बताओ ये जो है कौन सा पहले आया था जिससे अब धर्माधर्म उत्पन्न होगा, ठीक है। आपको ये प्रतीत हो रहा है पहले कौन है बताओ, क्रमेशया तो आपको क्रम को अन्वेषण करना चाहिए, नहीं बता पाओगे आप क्रम को। तयोर प्रातिति के उदय, तयोर कार्यकरणयोर हेतु फलयोर प्रातिति के उदय, उदय मतलब दोनों की उत्पत्ति प्रतीति के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई देता है। इसलिए नियत पूर्वभावी हेतु जो सबसे जो पहले रहेगा उसको हेतु कहेंगे, जिस समय जो पहले रहेगा उसके हेतु कहेंगे। इसलिए नियत कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण, विनय दर्शन की जो है बस परिभाषा है कारण के लिए, कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण। तो नियत पूर्वभावी हेतु और नियत उत्तरभावी फल, मतलब जो हमेशा बाद में रहेगा वो हो जाएगा फल। परंतु यहाँ पर हमेशा एक ही फल को आप हेतु भी बोल रहे हो, कार्य को कारण बोलते, कारण को कार्य बोलते, इस प्रकार से आपका व्यविचार कर रहे हैं। कभी कार्य कारण हो रहा है, कभी कारण कभी कार्य हो रहा है, इस प्रकार से जब निर्णय नहीं कर पाओगे। नियत पूर्वभावी हेतु और नियत उत्तरभावी फल अभी अभ्युपगम, इस प्रकार मानने से मानोगे हेतु अहम, क्योंकि ये यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तब क्या होगा, यदि एक साथ मानोगे युगपत संभव यशमत असंबंध विषानपत, इसलिए जो पहले रहेगा उसको कारण कहेंगे, जो बाद में होगा उसके हेतु कहेंगे। परंतु यहाँ पे कोई नियत रूप से रहता नहीं है, जो विषाण। फिर आगे बोलते हैं यथोक्त विरोधो हेतु फल भावस्य असंभव स न युक्त अभ्युपगन्तुं प्रतीति विरोधादिति व्यावर्तम आशंकम अनुपदति। ये जो आपने बोल रहा कि हेतु फल भाव होना संभव नहीं है, ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है वो को आप मिथ्या कैसे बोल सकते हो, वो होना संभव नहीं कैसे बोल रहे हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो आप देख रहे हो ना, वो आँख में ग्लास लगा करके देखते हो, माया की ग्लास लगा करके, तब जाकर जिसको ब्लू रंग की ग्लास पहन लेंगे हम तो बाहरी वस्तु क्या देखेगा, थोड़ा नीला ही दिखेगा। इसी प्रकार माया की ग्लास लगा करके देखते हो तो कार्यकरण आपकी प्रतीति होता है, माया ग्लास हट जाए तो एक ही वस्तु में कहाँ कार्य कहाँ कारण, कुछ नहीं है वहाँ पर। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि यथोक्त विरोध, यथोक्त विरोध मतलब क्या हो जाएगा, वो जो बोला ना कि विरोध हेतु से फल, फल से हेतु अनंत नष्ट है, तो उसे एक साथ नहीं हो सकता, और तुमको पहले निश्चय करके बताना पड़ेगा। यथोक्त विरोध हेतु फल भावस्य असंभव, हेतु पर फल भाव होना संभव नहीं है, हेतु और फल भाव होना संभव ही नहीं है, ये तुमने कहा स न युक्त अभ्युपगन्तुं। एक पूर्ववादी बोल रहे सिद्धांत को, ये जो तुमने कहा उपरोक्त विरोध के कारण हेतु फल के आश्रय आश्रित है और फल हेतु आश्रित है, ये अनन्य आश्रय दोष के कारण क्या होता है, इस प्रकार हेतु हेतु मतलब कार्यकरण भाव सिद्ध नहीं होता। बोलता है प्रकृति से दिखाई पड़ता है, इसलिए जिसको मानना पड़ेगा स न युक्त अभ्युपगन्तुं प्रतीति विरोध, क्योंकि प्रकृति से विरोध हो जाएगा। इस प्रकार का जो पूर्ववादी की शंका है जो निराकरण करने जो व्यावर्तम शंका अनुवदति भगवान भाष्यकर, भगवान भाष्कर जो पूर्ववादी की शंका है उसको अनुवाद करते हैं, हमारे सामने लाते हैं, ठीक है। जब तो विरोध हेतु फल भावस्व, हेतु और फल भाव में जो विरोध दिखाई पड़ता है उसका असंभव हो, इसलिए वहाँ पे जो हेतु फल भाव होना संभव नहीं है, क्योंकि विरोध के कारण सनायुक्त, ये कहना युक्तिसंगत नहीं है अभ्युपगन्तुं तुम इसका मतलब इसका इसको इस प्रकार सिद्धांत को मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्यों प्रतीति विरोधा मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधा। तो इति व्यावर्तक, इस प्रकार से पूर्ववादियों की शंका को जो निराकरण करने योग्य है, उस निराकरण करने योग्य व्यावर्त्या निराकरण करने योग्य शंका को शंका अनुवदति, उसको अनुवाद करते भगवान दास जो बोलते हैं यथोक्त विरोध न युक्त, जो ऊपर जो युक्ति दिखा हेतु आदि फल आदि हेतु तथा जन्म भवे तेषा पुत्र जन्म पितुर्जता। एक दूसरा पहले क्या बोलता था, हेतु फल से अनादि कथम ते
है ना, उत्तर रूप वर्णते, वो जो है दोनों की उत्पत्ति दिखाई दे रहा फिर भी अनादि कैसे बोल सकते, इस प्रकार विरोध के कारण अनन्य दुष्कृत सिद्ध भी इस कारण से यथोक्त तो विरोध न युक्त अभ्युभगंतु, इस प्रकार की विरोध कवि चेत पूर्वादि बोल रहे हैं, इस प्रकार विरोध के कारण आपका हेतु और कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है, ये मानना युक्तिसंगत नहीं है, आपके सामने दिखाई देता है मृतिका से घरा उत्पत्ति हो रही है, तंतु से पर्व उत्पन्न हो रहा है ना, इसीलिए जो खेत से चावल उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आप इसको निषेध नहीं कर सकते हैं। तत्व तो विरोध न युक्त अभ्युपगंतम इति चेत, यदि ऐसा तुम मन इति चेत मन, यदि तुम ऐसा मानते हो पूर्ववादी को सिद्धांत चेत, ठीक है, जब हेतु और फल होना संभव है तो पहले बोलो कौन है, संभव है हेतु फलयो उत्पत्तो, है ना, हेतु और फल की उत्पत्ति संभव होने पर क्रम ऐशितव्यतया, आपका इसका क्रम जो है अन्वेषण करना चाहिए, आपका द्वारा क्रम ऐशितव्यतया मतलब अन्विष्टव्य अन्वेषण करना चाहिए, मतलब कौन पहले है, हेतु पूर्व पश्चात फलम च, अरे हमको पता है ये चीज, हेतु पहले होता है फल बाद में होता है, कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है, यदि तुम ऐसा कहते हो कारण तो धर्म कहाँ से गया बोलेगा, अब यदि ऐसा नहीं मानोगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानोगे मतलब एक पहले एक बाद में, तब क्या हो जाएगा, तितस्य युगपत संभवे, यदि ऐसा नहीं मानोगे एक साथ हो जाता ऐसा कहोगे, जस्मात हेतु फल और कार्य कारण तीन असंबंध, तब क्या हो जाएगा, जैसा गाय की दो सिंह में कार्य कारण संबंध होना संभव नहीं है, इसीलिए आप यदि यहाँ पे एक के साथ दोनों उत्पन्न होता ऐसा कहोगे तो उसके अंदर जो कार्य कारण का संबंध है ये नहीं कह सकते हो, ये नहीं कह सकते हो, इतस्य और इस कारण से भी युगपत संभव है, यदि वो एक साथ हो जाता जस्मात हेतु फल और कार्य कारण तीन असंबंध, उससे क्या हो जाएगा, हेतु और फल इन दोनों में कार्य कारण भाव ये होना संबंध नहीं होगा, इधर तो पहले हेतु और इधर फल का, और उधर कहते समय कार्य को पहले और कारण को बाद में, ठीक है ना, मतलब ये आपस में जो है अनन्यास्यत्व में घुमा करके इसे बोल दे, यदा कारण तीन असंबंध, उसका दृष्टान्त तो आपने तो बोला, अब इसका दृष्टान्त तो देना पड़ेगा आपको, जथा युगपत असंबंध, जैसा एक साथ उत्पन्न होने वाला दो गाय के सिंह है ना, शब्द इतरो मतलब माया और डाया, इनको जो है कोई संबंध नहीं होता, सिंह दोनों सिंह में कोई संबंध नहीं होता, एक सिंह काट जाए तो दूसरा सिंह वैसे ही बना रहेगा, वैसे ही बना रहेगा, शब्द इतर वो विषाण है ना, यथा तो देखो टीकाकार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यथोक्त विरोध हेतुफल भाव असंभव, इस प्रकार होना संभव नहीं है, ऐसा मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि प्रतीति विरोधा, क्योंकि हमें देखा प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा, क्योंकि प्रतीति शब्द का पहले अर्थ कर दिया था प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो दिखाई पड़ता है उसके साथ विरोध हो जाएगा, इस प्रकार जो शंका उठाएगा उस शंका को अनुवाद करते हैं भगवान वास्तव, यथोक्त विरोध न युक्त अभ्युपगंतु इति चेत मन से, यदि तुम ऐसा मानते हो तब संभव हेतु, ठीक है, तब तुम हेतुफल भाव मानना चाहते हो उसमें कौन पहले बोल, उत्तर नहीं दे जाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा, इसलिए ये होना संभव नहीं है, क्रम अनिष्टव्यता है संभव अत्र उत्तरत्वेन श्लोक अक्षराणि योजयति, इस शंका के उत्तर के रूप में श्लोक में आए हुए पद को अन्वय करके दिखा दिया भगवान वासुदेव, कौन सा शंका का उत्तर, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त हो रहा है जो कार्यकरण भाव, उसको जो है युक्ति के आधार पर खंडन कर देना, युक्ति संगत नहीं है मतलब उचित नहीं है, ऐसा करके जब बोलते हैं तब बोलते हैं इसका उत्तर के रूप में, तत्र उत्तरते न, इस प्रकार की शंका को उत्तर के रूप में श्लोक में आए हुए पद को व्याख्या करते हैं भगवान भास्कर, श्लोक अक्षराणी योजयति भगवान भास्कर, संभव अत संभवे हेतु फलयो उत्पत्तो, हेतु और फल की उत्पत्ति में यदि ऐसा संभव है तब क्या करना, संभवे सति क्रम ऐशितव्यतया, तब उनको क्रम बताना पड़ेगा, किस क्रम से कौन पहले होता है, ऐशितव्यतया तुम्हारे द्वारा मतलब अनिष्टव्य बता, हमें पता है क्या पता है, हेतु पूर्व पश्चात फल तुम्हें पता है, तब फिर जब पश्चात फल तो फल को फिर हेतु कैसे बना देते हो, उसका हेतु पहले हो जाएगा, वो इस सिद्धांत का भी कुछ को कहेंगे, इतुगपत समय ठीक टीका में आ जाइए, प्रतीत्या क्रम स्वीकारवत उपपत्ति इति आह, है ना, इस प्रतीति से जो क्रम को स्वीकार करना चाहिए उसी प्रकार से युक्ति से भी इसको स्वीकार करना चाहिए, इतस्य है ना, कौन इतस्य मतलब युक्ति से क्यों, यदि आप एक साथ दोनों होता तब तो संबंध नहीं होता, इसलिए बोलते हैं प्रतीत्या मतलब प्रतीति से
क्रम स्वीकार प्रकृति से क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा तुमको। क्या क्रम स्वीकार करने का कारण पहले हर्जबाद में इसलिए बोलते हैं प्रतीत्या क्रम स्वीकार उपपत्त्यस्य युक्ति से भी एक क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। युक्ति से क्यों, यदि एक साथ उत्पन्न होगा तो संबंध ही नहीं हो पाएगा। यदि संबंध करना चाहते तो पूर्वापर चाहिए, इसलिए आप बोलते हैं कार्य कारण भाव संबंध प्रतीत्या क्रम स्वीकार उपपत्त्यस्य उपपत्ति का भी वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा। मतलब युक्ति संगत होने के कारण, क्या युक्ति संगत, कार्य कारण में एक साथ उत्पन्न होना संभव नहीं है, इस कारण उपपत्तिश्य ये युक्ति संगत होने के कारण। आठ नंबर टिप्पणी उपपत्तिश्य युक्ति के अपनी क्रम स्वीकरणीय, युक्ति के आधार पर भी कार्य कारण भाव में क्रम को स्वीकार करना चाहिए, है ना, एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए युक्ति तो अपनी क्रम स्वीकरणीय मतलब स्वीकार्य आवश्यक मन में रखती तथिता हो उपपत्तिश्य इतना देखो। इस कारण से भी यदि दोनों एक साथ उत्पन्न होता तो दोनों में संबंध होना संभव ही नहीं है। इसलिए इतस्य युगपत संभवे जस्मात हेतु फल कार्य करण तेन असंबंध, तब क्या हो जाएगा हेतु और फल में कार्य कारण अभाव रूप में जो संबंध है ये हो नहीं पाएगा। यदि एक साथ उत्पन्न होता है तो एक साथ नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं कि ताम एवं उपपत्ति स्फोरयति, है ना, ये युक्ति भी है। क्या युक्ति है, ये दोनों में क्रम होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। इस युक्ति को स्पष्ट करके कहते हैं ताम एक उपपत्ति में युक्ति को स्पष्ट करके कहते हैं तो कहते हैं ताम एक उपपत्ति स्फोरयति युगपत संभवे चाहिए तो हेतु फल ठीक है। युगपत यदि एक साथ इतस्य बोल करके फिर उसके बाद एक प्रतिक्रिया युगपत संभवे तस्मात हेतु फल कार्य करने असंबंध, कार्य करने उसका संबंध नहीं हो पाएगा। ययोर युगपत संभव तयोर ना कार्य कारणत्वम यथा विषाणयोः इति व्याप्ति, जिन दोनों का एक साथ उत्पन्न होता है उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। यह अन्य व्याप्ति है, जो दोनों साथ साथ उत्पन्न होता है उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। इसका व्याप्ति व्याप्ति क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, जिन दोनों एक साथ दो वस्तु एक साथ उत्पन्न नहीं होता उन दोनों में कार्य कारण भाव होना संभव। यानी बोलेंगे क्रम अभाव, जहाँ पे इस क्रम की अभाव है तयोर कार्य कारण अभाव। अन्य व्यक्ति है जो दोनों एक साथ उत्पन्न होता है हाँ, वो दोनों में कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है। उल्टा व्यक्ति व्यक्ति है जो दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होता है उन दोनों में है। मतलब यहाँ पे क्रम अभाव बोलेंगे, क्रम अभाव होता है जहाँ पे क्रम की अभाव है तो कार्य यहाँ पे अभाव हो गया। व्यतिरिक्त व्यक्ति इसको बोल रहे हैं, वहाँ पे शब्द प्रयोग करेंगे जहाँ पे क्रम का अभाव है वहाँ पे कार्य कारण भाव के भी अभाव है, और जहाँ पे क्रम है वहाँ पे कार्य कारण भाव भी है, ये अन्वय है। व्यतिरिक्त हो जाएगा जहाँ पे क्रम की अभाव वहाँ पे मतलब संबंध का भी अभाव। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ययो जिन दोनों का युगपत संभव, दोनों का उत्पत्ति एक साथ होता है तयोर ना कार्य कारणत्वम, है ना, उन दोनों में कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है। जहाँ जहाँ मतलब जहाँ क्रम की अभाव है, जहाँ क्रम की अभाव है वहाँ पे कार्य कारण भाव का भी अभाव है। जहाँ अग्नि की अभाव है वहाँ धुआं का भी अभाव है ना, जहाँ अग्नि का अभाव वहाँ धुआं का भी अभाव है। तो यहाँ पे जो है कि उपपत्ति उपपत्ति जय और युगपत संभव तय ना कार्य कारण तब जाता विषाणयो, जैसा दो सिंहों के बीच में इस प्रकार व्यक्ति होने के कारण व्याप्त है, है ना, व्यक्त व्यक्तत्वात् क्रमस्य आवश्यकता इति अर्थ। इस प्रकार स्पष्ट रूप में कि क्रम को दिखाई देने के कारण क्रम की आवश्यकता को मान्यता देना है। व्याप्ति व्यक्तत्व, इस प्रकार की व्याप्ति व्यक्त मतलब अभिव्यक्त सबको व्यक्त मतलब स्पष्ट रूप में दिखाई देने के कारण क्रमश आवश्यकता, इसलिए क्रम को मानना जरूरी है, एक साथ तो नहीं हो सकते। वहाँ पे देखो एक नंबर दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े टीका की इस पर 230 व्याप्ति रीति ययोर क्रम अभाव स्तयोर कार्य कारणत्व अभाव, ठीक है ना, जहाँ पे क्रम की अभाव है वहाँ पे कार्य कारण भाव का भी अभाव है। इति व्यतिरेक न व्याप्ति से व्यतिरेक व्याप्ति अभाव से बोल रहे हैं, निषेध मुख से बोल रहे हैं व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति से सिद्ध हो रहा है। यानी कि जहाँ एक साथ उत्पन्न होगा क्रम की अभाव है वहाँ पे जो कार्य कारण भाव के अभाव है, यानी कि जहाँ कार्य कारण भाव है वहाँ पे कोई क्रम आपको जानना चाहिए, क्रम ऐसी प्राप्त होता है कोई क्रम आपको निश्चय करके बोलना चाहिए।
इसलिए क्रमश आवश्यकता इति अर्थ है ना। इस प्रकार जो है स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं कि जो दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं उन दोनों में कार्य का भाव होना संभव नहीं है। तो जहाँ पे आप कार्यकरण भाव कह दो वहाँ पे क्या आपको कोई ना कोई क्रम बताना ही पड़ेगा, क्रम बताना ही पड़ेगा। तब यहाँ तक हो जाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं, उक्त व्याप्ति अनुग्रहकम तर्कम उपन्यस्यति है ना। व्याप्ति दिया यदि अनुग्रह तर्क यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्नि, ये आपने व्याप्ति दिया तो आप अनुकूल तर्क यदि वह्नि नाश है तभी धूमो भी नाश है। यदि वहाँ पे वह्नि नहीं होती तभी धुआं भी नहीं होता, वह्नि के कारण ही धुआं दिखाई पड़ता है। इसलिए जहाँ धुआं है वहाँ वह्नि, न धुआं ही वह्नि। तो उक्त व्याप्ति अनुग्रह कम, उस व्याप्ति का अनुग्रहित करने के लिए, व्याप्ति को पुष्ट करने के लिए, व्याप्ति को पुष्ट करने के लिए अनुकूल तर्क दिया जाता है। व्याप्ति को पुष्ट करने के लिए अनुकूल तर्क दिए, अनुग्रह का तर्क उपन्यस्यति, अनुकूल तर्क को यहाँ पे ला के दिखाते हैं। अनुपन्यस्यति तीन नंबर टिप्पणी में देखिए, अक्रमयोर अपि अस्तु कार्यकरणत्वम्, अग्नि नहीं होने पर भी धुआं हो जाए, शंका उठ रहा है अग्नि नहीं है फिर भी धुआं हो जाए, बोलते ऐसा हम नहीं बोल सकते। यदि वह्नि नाश है तभी धुआं भी नाश है, यानी इसलिए बोलते अक्रमयोर अपि, जहाँ पे क्रम नहीं है वहाँ भी कार्यकरण भाव हो जाए। अक्रमयोर अपि अस्तु कार्यकरण तो हमें कार्य थी व्यभिचारम असंग, इस प्रकार कोई व्यभिचार करते हैं मतलब वह्नि के अभाव में भी वह्नि के अभाव में धुआं रह जाएगा, ये व्यभिचार होता है। व्यभिचार यहाँ पे नहीं है कि हो नहीं सकता, बोलते यहाँ पे अक्रमयोर अपि अस्तु कार्यकरणत्वम, जो दोनों क्रम में उत्पन्न में नहीं हुआ उनमें भी कार्यकरण भाव हो जाएगा। इति व्यभिचार, इस प्रकार व्यभिचार की आशंका करें तद निराशकम, उसको निराकरण करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए कार्यकारणत्वस्य क्रम व्यभिचारित्व अशब्दम एव आपत्तेत इति तर्कम अहम्। यदि इस प्रकार कार्यकरण भाव में क्रम का व्यभिचार करें ना तब वो असत वस्तु होता है, वो असत होता है। इसलिए बोलते हैं कार्योत्तर कारणत्व भी धर्म है उसका, क्रम व्यभिचारित थे वो, यदि अपने क्रम में व्यभिचार कर जाते तब असत्यम एव आपत्तेत, तो वस्तु कहते असत होता है, वो वस्तु उत्पन्न नहीं होता। जहाँ पे कार्यकरण भाव का कारण नहीं सिद्ध कर पाया, तो जिस प्रकार बंधा पुत्र किसी का कारण नहीं बन सकता, इसी प्रकार बंधा पुत्र किसी को उत्पत्ति ही नहीं रखता। यदि आप इस प्रकार क्रम को निश्चय नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, कार्यकरण तत्व क्रम व्यभिचार, कार्यकरण के क्रम में यदि व्यभिचार हो जाए तो असत्ता में बंधु वस्तु असत हो जाता है, क्योंकि कारण रहने पर ही वो कार्य की सत्ता सिद्ध होता है। यदि उसको पहले ऐसा नहीं कर पाओगे तो कारण की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगा, कारण की सत्ता सिद्ध नहीं होगा तो कार्य की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए आपको क्रम को निश्चय करके बताना पड़ेगा। असत्यमेव आपत्तेति इति तर्कम अहम्, इसको मन में रखते तर्क को कहते हैं, ये समझ में है। कार्य कारण तो क्रम व्यभिचारित, कार्य और कारण में यदि क्रम की व्यभिचार हो जाए तो कार्य असत हो जाएगा। हमें क्या कहना है, पहले कारण है बाद में कार्य है। अब क्रम में पहले क्या कहना चाहते हो, पहले कार्य दिखाई दे रहे आपको, यदि आपको पहले कार्य दिखाई दे रहे कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा, केवल प्रातिथिक होगा, मिथ्या होगा। कारण हो, उपादान रूपी कोई वस्तु हो, उपादान रूपी वस्तु कार्य में बदल सकते हैं, ठीक है। अब कारण नहीं है, आपको कार्य दिखाई देने लग रहा है, वो जो कार्य दिखाई देते हो कैसे कार्य होगा, प्रतीति मिथ्या कार्य स्वप्न में दिखाई देते हैं, इसलिए असत्य होता, असत नहीं होता। इसलिए होता है कार्य कारण तस्य, क्योंकि वहाँ उत्पादन है ही नहीं तो कैसे वस्तु कार्य सत्ता कैसे प्राप्त करेगा, कार्य असत हो जाएगा। इसलिए कार्य कारण तस्य क्रम व्यभिचारित असत्य में बात करते थे, तब कार्य कहते असत हो जाता है। इति तर्क हमारी अमल्य और कुल तर्क है, इसलिए आपको क्रम को निश्चित करके बताना पड़ेगा। उक्त व्याप्ति इत्यादि से होता है, उक्त व्याप्ति अनुग्रहकम तर्कम उपन्यस्यति, व्यक्ति को पुष्ट करने के लिए उसको अनुग्रहित करने वाले तर्कों को यहाँ पे ला रहे हैं ग्रंथ का कार्य। फलादुत्पद्यमानः सन् नते हेतु प्रसिद्धति अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पादयिष्यति फलादुत्पद्यमानसन् नते हेतु प्रसिद्धति
अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उपादयिष्यति। इसको बहुत अच्छी तरह समझ, क्या समझते हैं, जो वस्तु हेतु बनने वाला है, जो हेतु बनने वाला वो पहले से विद्यमान नहीं है, वो किसी से उत्पन्न होकर के आता है। जो व्यक्ति यहाँ पे इसको झाड़ू लगाने वाला है वो यहाँ पे विद्यमान नहीं रहता, बाहर से कहीं आकर के फिर ये काम करता है। तो यदि ऐसा है तो कार्य यदि पहले से विद्यमान नहीं है तो कार्य होगा ही नहीं, कार्य होगा ही नहीं, उत्पन्न भी नहीं होगा। इसलिए बोलता है फलात उत्पद्यमान सन, क्योंकि फल से उत्पन्न होगा, फल मतलब शरीर, शरीर से उत्पन्न का कार्यकरण भाव, तब जाकर के वो कार्यकरण भाव फल के लिए काम करेगा, दूसरा उत्पन्न। जब जो वस्तु की अपनी सत्ता नहीं है, दूसरे के ऊपर निर्भर करके सत्ता को प्राप्त करता है, वस्तु सत्ता होता ही नहीं है। जो वस्तु की अपनी स्वाभाविक सत्ता नहीं है वो दूसरे से उत्पन्न होकर के सत्ता को प्राप्त करते हैं, तो वस्तु की सत्ता है, प्रसिद्ध नहीं होता वो। फला उत्पन्न मानसन, फल से उत्पन्न होते हुए आप उसको हेतु के रूप, जो फल से उत्पन्न होगा वो हेतु होगा, ऐसा तुम कहना चाहते हैं, मतलब उसका पहले से प्रसिद्ध नहीं है। जो वस्तु पहले से, जो बंधा पुत्र पहले से प्रसिद्ध नहीं है उससे उत्पन्न हो जाएगा, बंधा पुत्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सच्चा होगा कि झूठ होगा, वो भी कल्पित ही होगा। इसीलिए बोलते हैं फलाद उत्पन्न मानसन न तो हेतु प्रसिद्ध, इस प्रकार की हेतु को प्रसिद्ध हो। अब जो हेतु पहले से विद्यमान नहीं है, अप्रसिद्ध कथम हेतु, जो हेतु पहले से विद्यमान नहीं है फलम उत्पादयिष्यति, फल को कैसे उत्पन्न करेगा। जो वस्तु विद्यमान है ही नहीं वो वस्तु कोई नया कार्य कैसे उत्पन्न करेगा, उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं फलाद उत्पन्न मानसन न तो हेतु भविष्यति, जो पहले से विद्यमान नहीं है उत्पन्न होने पर किसी से उत्पन्न होकर के फिर हेतु का काम करेगा, इस प्रकार जिस हेतु का अस्तित्व ही नहीं है वो हेतु कैसे कार्य उत्पन्न करेगा, तो हेतु कार्य कैसे उत्पन्न करेगा, ये भी कैसे बोलते हैं। तुम्हारे मत में मतलब सत्य असिद्ध जो फल है उस फल से उत्पन्न होने वाला हेतु, जो फल फल मतलब कार्यकरण संघात, ठीक है ना, वो कार्यकरण संघात कहाँ से आता है, धर्मा धर्म से वो हो गया हेतु। और फल तो क्या हो गया कि तुम्हारे फलाद उत्पत्त मानस, मतलब ये कार्यकरण संघात से उत्पन्न होता है धर्मा धर्म। अब जब ये कार्यकरण संघात पहले है नहीं, धर्म धर्म से पहले है ही नहीं, तो धर्म धर्म कैसे उत्पन्न करेगा। इसलिए न तो हेतु प्रसिद्ध है, हेतु प्रसिद्ध हो ही नहीं सकता। कि जैसे सशस्त्र सिंह से कोई आपने जो है तलवार नहीं बना सकते हैं, आकाश को सुन से अभ्य माला नहीं मोड़ सकते हैं, इसी प्रकार से वो फल रूप में देखिए फल उत्पन्न अप्रसिद्ध कथम है, तो फल अप्रसिद्ध वस्तु फल की कैसे उत्पन्न कर सकता है, इसको समझा रहे। देखिए टीकाकार इस श्लोक के अर्थ को कर रहे हैं, हेतु फलयोर मिथो हेतु फलतम भ्रुवतो, जो कार्य और कारण है उसी को ही आप दूसरे के लिए कार्य कारण यदि कहते हो, इसलिए होता है हेतु फलयोर मिथो, हेतु और फल आपस में हेतु फलतम, दूसरे के लिए फिर कारण और कार्य में आपस में जो है हेतु फलयोर मिथो हेतु फलतम ब्रुवत, जो इस समय हेतु और फल में जो कारण और कार्य रूप में दिखाई पड़ रहा है वो फिर उल्टा करके कारण और कार्य बन जाता है। इस प्रकार बोलने वाले आपके मत में ब्रुवत मते हेतु अधीनतया अलब्ध आत्मकात फलाद उत्पद्यमान हेतु न ततो अलब्ध अलब्ध लब्ध आत्मको भवति न ततो लब्धात्मको भवति अलब्ध आत्मकश्च असत्वात् न फलम उत्पादयितुं शक्नोति इति अर्थ। अपने आप क्या बोलेंगे, हेतु फलयो मिथ हेतु फलत्तम ब्रुवत, हेतु फल आपस में हेतु फल हेतु फल हेतु फल ऐसा करके कभी हेतु फल होगा कभी फल हेतु होगा, हेतु से फल होगा वही फल हेतु मन के फल उत्पन्न करके फिर हेतु उत्पन्न करेगा, ये बोलकर कहा है। इसलिए बोलता है हेतु फलयोर मिथ हेतु फलत्तम ब्रुवतो मते हेतु अधीनतया, हेतु के अधीन होकर के जो फल उत्पन्न होगा वो फल का तो अभी सत्ता नहीं है, हेतु के अधीन होकर के जो फल उत्पन्न होगा वो फल की अभी सत्ता नहीं है, तो जिसकी सत्ता नहीं है वो हेतु कैसे उत्पन्न करेगा, वो कैसे उत्पन्न करेगा। बोलते हैं हेतु अधीनतया अलब्ध आत्मका, जो अभी तक सत्ता को विच हैज नॉट येट कम इन टू एग्जिस्टेंस, अलब्ध आत्मका उससे हेतु के अधीन होकर के उत्पन्न होने वाला फल जो अभी तक सत्ता को प्राप्त नहीं किया, हेतु के अधीन होकर के उत्पन्न होने वाला फल जो अभी तक सत्ता को प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार के फल आगे हेतु को कैसे उत्पन्न करेगा, जो है ही नहीं सत्ता उसका,
इसलिए बोलते हैं हेतु अधीनतया अलब्ध आत्मकात फलात् उत्पन्नमान हेतु न ततो लब्धात्मक भवति। जिससे जो उत्पन्न होता है हेतु, फल से, हेतु से उत्पन्न होने वाला फल, जो फल पहले से विद्यमान नहीं है, उस फल से जो हेतु उत्पन्न होगा उसका सत्ता कहाँ से होगा, क्योंकि फल की तो सत्ता नहीं है। ऐसे उत्पन्न हुआ भी जिसके अभी सत्ता नहीं है, इस प्रकार की बी से सी की उत्पन्न कैसे हो सकता है, सी ने वो ए हो जाएगा, कैसे हो सकता है, उसका सत्ता ही नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं कि हेतु फलयोर मिथो हेतु फलत्म ब्रुवतो मते हेतु अधीनतया, हेतु के अधीन होकर के अलब्ध आत्मकात फल, हेतु के अधीन करके उत्पन्न वाला जो फल जो अब तक सत्ता को प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार की फल से उत्पन्न माना हेतु, इस प्रकार फल से क्या उत्पन्न होगा, फिर हेतु उत्पन्न होगा, मतलब आपको धर्म धर्म उत्पन्न न तथो लब्धात्मक भवति, वो भी कोई सत्ता वाला वस्तु नहीं हो सकता, वो भी कोई सत्ता वाला नहीं, क्योंकि जिसका हेतु ही सत्ता नहीं है तो काटू सत्ता कहाँ से होगा। आकाश कुसुम की सत्ता ही नहीं है और आपने एक सुंदर आकाश कुसुम से माला गांध करके किसी को गले में चढ़ा रहे हैं, आपको कैसे दिखेगा, वो दिखेगा कि नहीं, केवल मनोकल्पित ही है। यही आप बोलते हैं हेतु न ततो लब्ध आत्मा को भवति अलब्ध आत्मकस्य, जिसका लब्ध जिसने सत्ता ही असत्वा, क्योंकि अलब्ध आत्मक जो सत्ताहीन वस्तु है न फल उत्पादित शक्नोति, वो जो सत्ताहीन वस्तु है वो किसी प्रकार कार्य को पैदा करने में समर्थ नहीं, शक्नोति अशक्नोति सक्षम नहीं है, असक्षम नहीं है, न हमारा जाएगा हेतु न तत्व लब्धात्मक भवति अलब्ध आत्मकश्च सत्वा, ठीक है, यहाँ पे न है सत्ता न फलम उत्पादित न शक्नोति फलम उत्पादित न शक्नोति, इस प्रकार हेतु जो है मतलब जो हेतु पहले से सत्ता में नहीं है वो किसी से उत्पन्न होकर आएगा, फिर आकर के कोई कार्य उत्पन्न कर, तो जिसका सत्ता ही नहीं है तो उससे क्या कार्य उत्पन्न होगा, वो भी कोई कार्य उत्पन्न करने में लब्धात्मक कोई वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थवान नहीं है। अतः हेतु फल भाव से वो असिद्धि दिया, इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि हेतु फल भाव सिद्ध ही नहीं होगा, हेतु फल भाव पारमार्थिक सिद्ध ही नहीं होगा, तो ठीक है। अब अध्यारोप प्रक्रिया को मान्यता दे करके, अधर्म प्रत्यय को मान्यता दे करके हम इस प्रकार जो धर्म धर्म और शरीर को मान्यता दे करके व्यवहार के लिए मत पारमार्थिक हमारी वेदांतिक सिद्धांत में उत्पत्ति होना संभव नहीं है। यहाँ पे भी चार नंबर टिप्पणी दिखेगा, अतः हेतु फल भाव से एवं असिद्धि, इसलिए हेतु फल भाव अतः असत अजनकत्व, जो वस्तु आपने अभी तक सत्ता प्राप्त नहीं किया वो जो है किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, बंधा पुत्र को ही नया पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसका अपना ही सत्ता नहीं है, है ना, सशस्त्र सिंह से कोई नया तलवार उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका अपना ही सत्ता नहीं है, इसलिए होते असत। जिसमें चार उदाहरण शंकराचार्य दिए थे, एक आकाश कुसुम से माला, एक सशस्त्र सिंह से तलवार या जो है, एक है बंधा पुत्र का पुत्र और एक मरुमी को मरीची का, देखो मरीची का मरीची की प्राणी बने और श्लोक है ना तैतरी उपनिषद में, तैतरीय उपनिषद की सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के भाष्य भगवान भाष्कर वहाँ पे इसलिए उद्धृत किया है कि मृगतृष्णम भसिस्नात, मृगतृष्णम भसिस्नात खम पुष्पकृत शेखर एशो बंधा शुद्ध हो जाती सशस सिंह धरो, चारों ऐसा लिखा मृगतृष्णम भसिस्नात मतलब मरुमति कुमारी करके पानी में नहा धो करके खम पुष्पकृत शेखर आकाश कुसुम का सुंदर मुकुट बनाया उसको धारण किया हुआ, ये देखो बंधा पुत्र जा रहा है हाथ में खरगोश के सिंह के द्वारा बना हुआ धनुष लेकर, देखो हम बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि कोई वस्तु है सामने, सिर्फ तो पुत्र देखने के कंपस है ना, वस्तु भी कोई है नहीं, कुछ शब्द से वस्तु की प्रतीति तो ऐसा लगता है परंतु वो वस्तु है नहीं, तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है हमारी, इसलिए अत हेतु फल अभाव से असिद्धि अर्थ और सिद्ध असत अजनकत्ता, क्योंकि असत वस्तु किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, इस कारण से अत हेतु फलयोर अक्रमगत न कार्य कारण भावेन संबंध सिद्धति इति एतत् आकांक्षा पूर्वक साधयति, हेतु और फल, हेतु फलयोर इन दोनों का अक्रमगत जो क्रम वाला नहीं है, अक्रमवत निर्दिष्ट क्रम इसके बाद ये है ये आप नहीं कह सकते, पहले था मतलब धर्माधर्म पहले अथवा शरीर पहले ये आप निश्चय करके नहीं कह सकते, इसीलिए दोनों का जो है पारमार्थिक सत्ता नहीं, इसलिए हेतु
फल आयोर अक्रमवत हेतु और फल, इन दोनों का जो क्रम वाला नहीं है, अक्रमवत न कार्यकरण भाव मेरा संबंध, उन दोनों में कार्यकरण भाव से संबंध नहीं हो सकता क्योंकि वो क्रम है नहीं वहाँ पे, संबंध सिद्धति सिद्ध नहीं होता। इति आकांक्षा पूर्वक साध, इसी को जो है एक शंका उठा करके आकांक्षा उठा करके उसको सिद्ध करके दिखाता है कि हेतु जहाँ पे क्रम नहीं है वहाँ पे जो है अहेतु फल भाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कथम असंबंध है ना, ये कार्यकरण में हेतु और फल में धर्माधर्म में शरीर में संबंध ही नहीं है, ये कैसे बोल सकते हो? तो ते तो कल्पना करते हैं। आहुष गुप्ता ने बोलते हैं जन्यात सत अलब्ध आत्मका, जन्म मतलब जिसका पहले से सत्ता नहीं है, जन्म मतलब क्या है, जिसका पहले से सत्ता नहीं है, मतलब सत अलब्ध आत्मका जिसके अपना पारमार्थिक सत्ता नहीं है। फला इस आरोप क्या होगा, और फल क्या है, जन्म होता है, फल मतलब कार्य जन्य होता है जिसका पहले से सत्ता नहीं रहता है ना, इसलिए बोलता है जन्यात सत अलब्ध आत्मका फला उत्पन्नमान है ना, उससे उत्पन्न होता है कार्यकरण भाव, हमारे न्याय को सचिव भी मानते हैं है ना, दशक कार्यवादी है, पहले रहता ही नहीं, जन्यात सत अलब्ध आत्मका फला उत्पन्नमान से, उस फल से उत्पन्न हो रहा है जो हेतु होते हुए सस्य विषाणादेह इव आकाश कुसुम अथवा सस्य सिंह के समान एक असत, वो जो है अविद्यमान वस्तु है, न हेतु प्रसिद्ध थे, जो अविद्यमान वस्तु है किसी को उपादान कारण बन जाए ये कहीं भी प्रसिद्धि नहीं है, जो अपने से पहले से विद्यमान नहीं रहता है वो किसी को उपादान कारण बन जाए कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, हेतु न प्रसिद्ध थी, इसीलिए क्या होता है जन्म न लहते है ना, कि कोई जन्म प्राप्त ही नहीं कर सकते। अलब्ध आत्म को असिद्ध सन, जो आपने अभी तक सत्ता को प्राप्त ही नहीं किया, इस प्रकार से जो है आकाश को सुमत बंधा पुत्र असिद्ध सन अपने आप विद्यमान नहीं रहते हुए सस विषाण आदि कल्प सस विषाण के समान सादृश्य है तुम्हारा, तब तुम्हारे सिद्धांत कथम फल उत्पादिष्यति, मतलब जो सस विषाण के समान एक वस्तु है वो कैसे कोई कार्य को उत्पन्न कर सकता है, ये अभिप्राय से बोलते हैं। अलब्ध आत्मा को असिद्ध अलब्ध सन, जो अभी तक सत्ता को प्राप्त नहीं किया है ना, द थिंग विच हैज नॉट येट कम इन टू द एग्जिस्टेंस, हाउ कैन इट प्रोड्यूस एनीथिंग, ठीक है, ये अभिप्राय। इसलिए अलब्ध आत्मा को असिद्ध सन, ठीक है ना, जो अभी तक सत्ता को प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार से असिद्ध होते हुए वो कैसा सस्य विषाण आदि कल्प जिसको जो मतलब सस्य सिंह के समान आकाश कुसुम के समान इस प्रकार के वस्तु तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार कथम फलम उत्पादिष्यति, वो कारण बन के किसी का कार्य उत्पन्न करे कैसे हो सकता है, वो जो जो अभी तक सत्ता प्राप्त नहीं किया वो किसी का कारण बन के फल उत्पन्न करके कैसे हो सकता है, तो सत्ता ही नहीं है उसका, इसीलिए बोलते अलब्ध आत्मा को असिद्ध संसस्य विषाण आदि कल्प तब कथम फलम उत्पादिष्यति, नहीं इतर इतर अपेक्षा सिद्ध सस्य विषाणु कल्पयोः कार्यकारण भावेन संबंध कचित दृष्ट अन्यथा वा इति अभिप्राय। यहाँ पे बोलते हैं क्योंकि ही मतलब इतर इतर अपेक्षा एक दूसरे का अनन्य आश्रय दुष्ट द्वारा कचित है, स्वतंत्र रूप से कोई सिद्ध नहीं होता, इसके द्वारा न्याय प्रशासित सिद्धांत भी खंडित हो जाता है। उसको बोलता है तुम्हारे पास कितने पदार्थ है, बोलते हैं सात पदार्थ है, क्या क्या, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, अब ठीक है द्रव्य क्या है, बोलते गुण जिसके आश्रय में रहते लो, अभी तो गुण सिद्ध ही नहीं हुआ, तुम गुण को तो एक पदार्थ माना तुमने, गुण को स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर दो, जिस प्रकार टेबिल आप अलग दिखाई पड़ते हैं तो ये स्टैंड जिस टेबिल के ऊपर रहते हैं तो दोनों अलग दिखाई पड़ते हैं। अब आपने बोला हमारे पास सात पदार्थ है, ठीक है, कौन सा पदार्थ पहले है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य का परिभाषा क्या है, जो गुण क्रिया आश्रयतम द्रव्यतम, अभी जो गुण क्रिया सिद्ध ही नहीं हुआ, गुण क्रिया सिद्ध करो स्वतंत्र सिद्ध करो तब इसका आश्रय बोलो, इसी प्रकार गुण क्या है, द्रव्य आश्रयतम गुणवत्त, जो द्रव्य का आश्रय मतलब बिल्कुल, इस प्रकार वस्तु स्वतंत्र सिद्ध ही नहीं होगा, तो जो वस्तु स्वतंत्र सिद्ध ही नहीं होता वहाँ पे कार्यकरण भाव कहाँ से लगा, इसलिए बोलते हैं नहीं इतर इतर अपेक्षा सिद्ध, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होता है, इस प्रकार जो दो वस्तु है वो तो सस्य विषाण कल्प है, मतलब वो आकाश कुसुम के सादृश्य है, सतत सिंह के सादृश्य है, वो कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते, सादृश्य कार्य कारण भावेन संबंध, इन दोनों में कार्यकरण भाव की संबंध हो जाए, हैं बताओ सस्य सिंह और आकाश कुसुम में कार्यकरण भाव संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
दोनों ही भाई नहीं वस्तु। अब सतत तो सत्ता ही सिद्ध नहीं होता। कार्य कारण भाव है ना संबंध क्वचित न दृष्ट पहले सारा है क्वचित मतलब कार्य कारण भाव समझे न ही इतर या न ही इतर इतर अपेक्षा सिद्ध ससे पैसा न कल इतर में यहाँ पे न वो तुम करने को न क्वचित दृष्ट। देखो कि जिस प्रकार कार्य कारण भाव नहीं दिखाई पड़ता क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे अथवा अन्नथाबा मतलब आश्रय आश्रय भाव। ये द्रव्य का आश्रय में गुण रहता है गुण का आश्रय में ये आश्रय आश्रय भाव सिद्ध ही नहीं होता। जिसका सत्ता ही नहीं हो कैसे आश्रय बनेगा किसी का। जिसका पहले से भी सत्ता सिद्ध नहीं होता उसके इसलिए आत्मा ने न सभूमा कस्मिन प्रतिष्ठित हो किसका आश्रय में रहता है अनंत किसी के साथ में स्वमहिमनि प्रतिष्ठित हो यदि वह न महिमनि इति अपने महिमा में प्रतिष्ठित अथवा कोई महिमा ही नहीं है उसका। इस प्रकार से जो भूमा विद्या में सिद्ध किया किसी के आश्रय स्वतंत्र सिद्ध होता है वो किसी प्रमाण से किसी इंद्रिय से सिद्ध नहीं होता स्वतंत्र स्वतंत्र वस्तु है। इसलिए अन्यथा वाइति अन्यथा मतलब आश्रय उसमें आश्रय आश्रय भाव भी सिद्ध नहीं होता। मतलब मन में क्या भाव ये जो तुमने द्रव्य और गुण में आश्रय आश्रय भाव सिद्ध होता है दोनों पहले स्वतंत्र सिद्ध ही नहीं होता एक का आश्रय में दूसरा सिद्ध होता है इसलिए ये दोनों वस्तु भी सिद्ध नहीं होगा। अब देखिए इतना भाष्य तो पूरा हो जाता है छोटा छोटा है अभी अब यहाँ पे टीका भी के होती यहाँ तक पढ़ लिए थे हेतु फलयोर अक्रमवतयोर न कार्यकरण भावे न संबंध सिद्धति। हेतु और फल जो क्रम वाला नहीं होता है उसमें कार्यकरण भाव सिद्ध होना संभव नहीं है सिद्धति आकांक्षा पूर्वक साधयति इसको जो आकांक्षा उठा करके सिद्ध करके दिखा दे प्रथम असंबंध इति कैसा संबंध हो सकता है देखिए वहाँ पे टीका खाली है हेतु स्वरूपात जन्म फलम ठीक है ना। हेतु स्वरूप है जिसका उससे उत्पन्न होता है जन्म फलम तद अधीनत्वेन लब्धात्मकम स्वतोच अलब्धात्मकम उसके अधीन होकर के सत्ता प्राप्त करते हैं। जिस हेतु के अधीन होकर के कोई फल सत्ता प्राप्त करते हैं वो फिर उसी हेतु को उत्पन्न करता है। ये कैसे हो सकता है इसलिए बोलते हैं हेतु स्वरूपा हेतु के स्वरूप जन्म फलम उस उत्पन्न जो फल तद अधीनत्वेन वो हेतु के अधीन होकर के फल उत्पन्न करके लब्धात्मक सत वो उससे सब सत्ता प्राप्त करता है अपने आप में सतश्च अलब्धात्मक वास्तविक उसका अपना कोई सत्ता नहीं है। तत् उत्पन्न मानसन उस प्रकार हेतु से उत्पन्न हुआ फल ऐसा हेतु न प्रसिद्ध वो फिर हेतु बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है जो पहले से सत्ता को प्राप्त सब मतलब अस्तित्व को प्राप्त नहीं किया जिसका अस्तित्व पहले से सिद्ध ही नहीं होता वो दूसरे के लिए हेतु कैसे बन सकता है कैसे बन सकता है। तथा उससे मतलब उस हेतु से उत्पन्न होते हुए फल मतलब ये वस्तु हेतु न प्रसिद्ध थी वो वस्तु फिर हेतु के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो सकता इसके अभिप्राय न प्रसिद्ध है। उसी को दृष्टान्त के द्वारा समझा रहे न खलु शश विषाण आदि असत सकाशा है ना शश विषाण जिसका अपना सत्ता नहीं है। इसी प्रकार ये वो ना इतना क्यों बोल रहे हैं इन हम लोग बोलते हैं ना अनेक जन्म के संचित कर्म है उसका फल भोग बिना कैसे होगा ये सब जो है ये माया कल्पित है। जब तक हम संचित कर्म क्रियापन कर्म बोलते हैं जब तक इसका मान्यता देते रहोगे ये ज्ञान अग्नि सर्वकर्म न भस्मसत होते तथा इसका क्या अभिप्राय है क्यों कर्म को चलाता है क्या ज्ञान अग्नि क्या करता है कि इससे संबंध बिल्कुल छुपा देता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के सब तीनों कर्म मेरा कोई संबंध ही नहीं रहा पर तो कहाँ संचित कर्म कहाँ क्रियो मन कर्म कर्म तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में होता है आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है तीनों का इसीलिए क्या होता है यही ज्ञान अग्नि क्या करता है कि सारा संचित कर्म को चला देता है। ये नहीं कि संचित कर्म इकट्ठा करके उसके नींद कोई आग लगा दिया ये नहीं है कि आप क्या है ज्ञान के फलस्वरूप आपने आपको जो है मतलब कार्यकर्म संघर्ष से अपने को पृथक रूप में जान लिया। जैसे ही जानते हैं तो आपका निश्चय हो जाएगा कभी भी तीनों काल में जिस प्रकार जिस समय रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा था उस समय सर्प वहाँ पे है। जैसे ही ज्ञान होता हम स्वयं निश्चय करते हैं क्या निश्चय करते हैं जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी सर्प वहाँ पे नहीं था मतलब तीनों काल में सर्प के वहाँ पे। इसी प्रकार तीनों काल में कार्यकर्म संघर्ष के साथ मेरा संबंध नहीं है तो उसके उसकी फल से हमारा क्या संबंध है उसके फल से वो कैसे वो संघात कैसे फल उत्पन्न कर सकता है वो संघात कैसे फल उत्पन्न कर मतलब हमारे जन्मांतरी संचित कर्म कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं है ये केवल कल्पना मात्र है। जब तक हम अज्ञान में है तब तक इसकी मान्यता है बार बार घुमा के इसको कहने का कहाँ पे हमारा दृष्टि डालना चाहता है जरा समझना इस चीज़ को है ना। यही जगह पर ये हम लोग सोचते आ रहे हमारा प्रारब्ध है हमारा कर्म है क्या करें ये प्रारब्ध करके तुमने मान्यता दे रखा अज्ञान से फिर उसी का अधीन होकर के घूमते रहते हैं।
एक बार दृढ़ संकल्प कर शरीर के साथ हमारा संबंध, प्रारब्ध शरीर का इसके साथ हमारा संबंध है तो किसका आत्मा का कहाँ प्रारब्ध है? प्रारब्ध जो दिखाई पड़ता है शरीर में, आत्मा का कहाँ प्रारब्ध है? आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं, आत्मा का कोई शरीर नहीं है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय होने के फलस्वरूप क्या होता है, फिर उसके साथ संबंध छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। इसलिए बोलता है हेतु स्वरूपात जन्यम फलम, हेतु के स्वरूप से उत्पन्न होने जो फल तद अधीन तेन, वो हेतु के अधीन करके उत्पन्न होकर के लब्धात्मक सत्ता प्राप्त करके सदस्य लब्धात्मक, वास्तविक उसका पारमार्थिक कोई सत्ता है नहीं, ठीक है ना। तथ उत्पन्न मानुष उस प्रकार से धर्माधर्म से उत्पन्न होने वाला शरीर यश हेतु न भविष्य, वो शरीर फिर जो है जो अभी तक है नहीं उत्पन्न होगा वो फिर किसी के लिए हेतु बन जाए, प्रसिद्ध नहीं है, असत वस्तु किसी का हेतु नहीं बन सकता है। न खनु शस्व विषाण आदि असत इसगर है, जो शस्व विषाण आदि वस्तु जो पारमार्थिक इसका सत्ता ही नहीं है, सकाशात उससे किंचित लब्धात्मक उपलब्ध, उससे कोई वस्तु की उत्पन्न उत्पत्ति हुई ये दिखाई नहीं पड़ता। न उपलब्ध थे न आशा न खलु, निश्चित जो है इस प्रकार उपलब्धि नहीं होता। शस्व विषाण आदि असत, ठीक है ना, ये शस्व विषाण आदि में कौन सा विभक्ति होना चाहिए? शस्व विषाण आदि है षष्ठी, और क्या हो सकते हैं आपके पंचमी और षष्ठी विकल्प है आपके पास, आप षष्ठी बोल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे षष्ठी देखिए, अशस्व विषाण आदि अशत सकाशात में क्या विभक्ति है? पंचमी, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए? पंचमी है ना। इसे शस्व विषाण आदि असत, जो असत वस्तु शस्व विषाण आदि है उससे, उसका नहीं उससे उत्पत्ति दिखा रहे ना, उपादान पंचमी होता है जिससे उत्पन्न होता है। इसीलिए आपने न खलु शस्व विषाण आदि असत सकाशात, निश्चित ही असत असत समतुल्य जो वस्तु है शस्व विषाण आदि उससे किंचित लब्धात्मक कोई वस्तु सत्ता प्राप्त किया, बंधा पुत्र किसी ने कोई वस्तु उत्पन्न किया कहीं नहीं देखा जाता। हमारे पंचमी एक वचन है या एक वचन है? एक पद बन गया अब उसका शस्य विषाण आदि। इस प्रकार जो आपका कल्पित वस्तु है वो असत समान है उससे, इसलिए सकाशत दिया होता है उससे पंचमी अर्थ को समझेंगे, किंचित लब्धात्मक न उपलब्ध होते कोई वस्तु सत्ता प्राप्त किया ऐसा उपलब्धि नहीं होती। हेतु चेत अप्रसिद्ध अलब्ध आत्मक अभ्युपगत सतरे तथापि तो असत रूप न फल उत्पाद तुम उत्साहते, जो हेतु आपने आपने कोई सत्ता ही प्राप्त नहीं किया, जो हेतु जिसके आपने कोई सत्ता ही नहीं है, हेतु से अप्रसिद्ध जिस हेतु अभी तक अप्रसिद्ध मानता अलब्ध आत्मक जिसने सत्ता को प्राप्त नहीं किया अभ्युपगत ऐसा तुमने माना, सतरे उस प्रकार की हेतु कैसे तथापि तो उस प्रकार से असत रूप सन उस प्रकार असत रूप होते हुए न फल उत्पादित हो कोई फल उत्पन्न करने में उत्साहित होता है होते हुए मैस्कुलिन सिंगुलर सत है ना, बस धातु का पार्टिसिपल है सत बनता है उसका नॉमिनल सिंगुलर है सत है ना, सत मतलब होते हुए यदि ये आपका नपुंसक होता तो सत होता, यदि ये स्त्रीलिंग होता तो सत होती हुई। इसलिए बोलते हैं हेतु से अप्रसिद्ध अलब्ध आत्मक अभ्युपगत सतरी तथाविद असत रूप उस प्रकार असत रूप होते असत रूप सन असत रूप होते हुए न फलम उत्पादित न उत्साहते कोई भी किसी प्रकार के कार्य को उत्पन्न करने के लिए वो उत्साहित नहीं होता। नहीं सद्वादी मते फलम असत सकाशात उपलब्ध चरम इति, सद्वादियों के मत में सत्कार्यवादियों के मत में है ना फल कोई भी कार्य असत सकाशत लब्ध चरम असत से उत्पन्न हुआ कहीं भी सतवादी मत तो शंखवादी सत्कार्यवादी है वेदांत भी सत्कारणवादी है और वो लोग सत्कार्यवादी बोलो सत्कार्यवादी सत्कारणवादी नहीं ना सत्कार्यवादी। इसलिए तब दोनों का भिन्नता जब तक बोलते समय हम तो सत्कार्यवादी मतलब वेदांत के अंदर कई कार्य में तो सत्यत्म मानते नहीं है उस कार्य को सत्य मानते हैं इसलिए सत्कार्यवादी, और हम क्या सत्कारण को सत्य मानते हैं इसलिए न ही सत्वादी मते फलम असत सत्वादियों के मत में फल जो है असत सकाशत के असत वस्तु से
उपलब्धश्चर मतलब उपलब्धि के लिए विचरण करना, उपलब्धि के लिए विचरण करना ये नहीं होता। उपलब्धचर मतलब उपलब्धि हो जाता है, व्यवहार उपयोगी बन जाता है, मतलब असत वस्तु से उत्पन्न होकर के कोई वस्तु व्यवहार उपयोगी बन जाता है, कहीं नहीं दिखाई दिया अभिप्राय। तथापि कथम हेतु फल और असंबंध सिद्धति, ठीक है इतना होने पर भी हेतु और फल में कोई संबंध कैसे सिद्ध होते हैं आशंका हो। तथापि पाँच नंबर टिप्पणी, परस्पर सापेक्ष सिद्धकत्वे अपि, मतलब फल सिद्ध होगा तो हेतु सिद्ध होगा, हेतु सिद्ध होगा तो फल सिद्ध, परस्पर सापेक्ष सिद्ध होता है, स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता है, इतना होने पर भी उसमें संबंध नहीं है कैसे बोलती हो। तथापि कथम हेतु फल और असंबंध सिद्धति इतिहास नहीं, इतर इतर अपेक्षा सिद्ध है, ठीक है ना, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होता है। ये चीज़ हमारा मुख्य चीज हमारे मिथ्यात्व के लिए यही हेतु है, जो चीज स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता वो वस्तु मिथ्या होता है। जो वस्तु स्वतंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता है वो मिथ्या होता है। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसको, ये जो आप बोल रहे हैं, यस्य स्वतंत्र सत्ता न भवति स मिथ्या भवति, यस्य स्वतंत्र सत्ता बोल आगे देखिए आएगा यहीं पे आएगा मेरे को मिला कहीं पर अन्यथा जी नहीं। इतर इतर अपेक्षा सिद्ध, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होता है तो सस्य विषाणु कल्प ही हो, सस्य विषाणु के समान वस्तुओं का कार्यकरण भाव है संबंध, कार्यकरण रूप से संबंध क्वचित न दृष्ट कहीं भी नहीं दिखाई गया। अन्यथा वाह्य अभिप्राय अन्यथा वा मतलब अष्टय अष्टय भाव, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं तथापि हमने पढ़ लिया परस्पर सापेक्ष सिद्ध गत्य भी, एक दूसरे के सापेक्ष सिद्ध होने पर भी दोनों में से संबंध कैसे नहीं हो सकता है, तथा कार्यकर्म क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि इसका सत्ता ही नहीं है, कैसे कार्य उत्पन्न करेगा। और नहीं बोल दिया और फिर अन्यथा अन्यथा शब्द कहते हैं अन्यथा वाई आधार आधे भाव आदि कथन, ये जो न्याय दर्शन है द्रव्य को आधार बोलते हैं उनको आधे बोलते हैं, इस प्रकार संबंध भी होना संभव नहीं है क्योंकि उसका स्वतंत्र सिद्ध ही नहीं होता, एक दूसरे को सापेक्ष में सिद्ध होता है। इस श्लोक में ये पूर्व मीमांसा को खंडन कर रहे हैं या पूर्व मीमांसा शाखा और न्याय को तीनों का जो सिद्धांत मुख्य रूप से सभी का हम वस्तु को सत्य मान करके चलते हैं, न्याय दर्शन को शशि दर्शन भी परमाणु उत्पत्ति मानते हैं जगत को सत्य मानते हैं, शांक दर्शन भी प्रकृति रूप में जगत को सत्य मानते हैं, वेदांति जगत का मिथ्या मानते हैं। मतलब दोनों में उत्पत्ति की प्रक्रिया में भिन्नता है, एक ने सत्कार्यवादी है एक आरंभवादी है, असत्कार्यवादी है और वेदांति सत्कारकवादी है। आज है लास्ट वाला हो गया समय, आज फर्स्ट हो ना, आज लास्ट वाला ना, आज फर्स्ट वाला लास्ट वाला। अजम अपि योनि योगं प्रापदश्वर्य योगा अगति च जति मदां प्रापदेवं ह्यमेकं विरिह विशर धर्मानि पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो दुराग्नेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये क्योंकि नवंबर फर्स्ट नवंबर से पाठ के समय भी चेंज हो जाता है, 7:30 से 8:30 हो, ठंड के कारण यहाँ पे क्षेत्र के समय बदल जाता है इसीलिए पाठ के समय भी बदलता है। तो ये पाठ 7:30 से 8:30 होगा, 1 तारीख छुट्टी होगा, 2 तारीख से फिर पाठ होगा, कल अष्टमी है, कल अष्टमी, 2 तारीख से 7:30 बजे दो तारीख से 7:30 बजे से होगा।